ओके गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू तो टुडे इज द थर्ड क्लास ऑन चैप्टर्स 12 टू 14 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ठीक है तो so जैसा कि हमने पढ़ा था F प्लस एफ माइनस सी प्लस फैन ऑफ कर दो कोना वाला ठीक है तो अगर मान लो कोई ट्रेडर सी माइनस कर रहा है इसका मतलब क्या है कॉल ऑप्शन बेच रहा है कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है राइट टू बाय तो राइट टू बाय मतलब क्या खरीदने का हक को बेच दिया खरीदने का हक को बेच दिया तो कॉल ऑप्शन में क्या होता था ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा अब बेच दिया है तो ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा प्रीमियम ये खाएगा ठीक है और अगर सामने वाला का ओके तो प्लीज सुनते जाओ ठीक है थोड़ा दो मिनट के लिए पहले सुनते जाओ तो हाँ, प्रीमियम प्रीमियम ये खा के बैठेगा कॉल ऑप्शन वाला ठीक है तो कॉल ऑप्शन बेचने का मतलब क्या है प्रीमियम का इनफ्लो होगा एंड ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है राइट टू बाय अगर हम बाय करते कॉल ऑप्शन मतलब मेरा हक होता अगर मेरा मन करेगा तो हम खरीदेंगे वरना हम नहीं खरीदेंगे लेकिन यह वाला जो हक है थोड़ा बहुत प्रीमियम के लिए सामने वाला को बेच दिया अब सामने वाले का अगर मन करेगा तो वो खरीदेगा वरना वो नहीं खरीदेगा लेकिन उसका राइट right, मेरा क्या ऑब्लिगेशन बात को समझना सामने वाले का राइट right है लेकिन मेरा क्या है मेरा भी राइट right थोड़ी है मेरा तो ऑब्लिगेशन है अगर सामने वाला बोलेगा तो मेरे को फुलफिल उसको करना ही पड़ेगा ठीक है ओके okay. अब आज हम लोग बात करेंगे पे ऑफ का डायग्राम और प्रॉफिट का डायग्राम का सबसे पहले ठीक है बहुत जरूरी है इसको समझना राइट डाउन पे ऑफ डायग्राम्स राइट डाउन पे ऑफ डायग्राम्स मैं डाउट्स लूंगा मेरे को तो पंद्रह मिनट थोड़ा गर्म होने दो पहले पे ऑफ डायग्राम ठीक है ठीक है पे ऑफ डायग्राम तो सबसे पहले सी प्लस का बात करेंगे ठीक है अगर सी प्लस समझ में आया तो सी माइनस P प्लस पी माइनस सब समझ में आएगा ठीक है तो पे ऑफ का मतलब क्या है अभी प्रीमियम मान लो जीरो है ठीक है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है स्ट्राइक प्राइस है तो स्ट्राइक प्राइस के पहले क्या होगा पे ऑफ जीरो कॉल ऑप्शन लैप्स कब होता है स्ट्राइक प्राइस या फिर उसके पहले कॉल ऑप्शन पावर में कब आएगा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसका जो पे ऑफ बनेगा वो ऐसा बनेगा ठीक है इसका जो पे ऑफ बनेगा वो ऐसा बनेगा क्यों बोलो तो अगर मान लो इसका जो पे ऑफ ऐसा क्यों बन रहा है अब जैसे मान लो स्ट्राइक प्राइस है छत्तीस हजार ठीक है स्ट्राइक प्राइस क्या है छत्तीस हजार है शेयर का दाम मेच्योरिटी में हो गया छत्तीस पांच सौ शेयर का दाम मेच्योरिटी में हो गया छत्तीस पांच सौ ठीक है तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा पांच सौ रुपए का मेरे को प्रॉफिट होगा ठीक है पे ऑफ बेसिकली पांच सौ रुपए का मेरा क्या हो जाएगा पे ऑफ अब अगर मान लो हम एक सौ प्रीमियम दिया है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 320 ठीक है अगर मान लो 36000 का स्ट्राइक प्राइस है और 3500 35500 हो जाता है तो क्या होगा लैप्स तो बेसिकली एनीथिंग अब थर्टी सिक्स थाउजेंड इज डिनोटेड बाई दिस वन एंड छत्तीस हजार के पहले क्या रहेगा मेरा लैप्स ये मेरा सी प्लस का पे ऑफ है सी प्लस का ऊपर जाने से डिफरेंस आ रहा है किसका किसका डिफरेंस आ रहा है किसका किसका डिफरेंस आ रहा है शेयर प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस तो हम लोग एक्स एक्सिस में क्या माप रहे हैं एस टी और वाई एक्सिस में क्या माप रहे हैं पे ऑफ इसको कॉपी करो पहले और ये सब बनाना नहीं है जब डायग्राम बनाए हैं एक मिनट रुक जाओ एस टी मतलब शेयर प्राइस एट मेच्योरिटी ऊपर कुछ है ही नहीं हेडिंग अच्छा पे ऑफ डायग्राम दो चीज समझ के रखना मैं फिर से अब अब थोड़ा सा मेरा बैटरी गर्म हो रहा है तो दो चीज समझ के रखना एक है पे ऑफ और एक है प्रॉफिट तो पे ऑफ का मतलब क्या है प्रीमियम को इग्नोर करके देख रहे हैं ठीक है प्रीमियम को इग्नोर कर रहे हैं और प्रॉफिट का मतलब क्या है प्रीमियम को कंसिडर करके तो पे ऑफ मतलब क्या होता है जस्ट जो मेरा पे ऑफ है लाइक ऑप्शन बायर तो क्या मिलेगा ऑप्शन सेलर से प्रीमियम को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसके बाद जब दिखाएंगे तो उसमें प्रॉफिट प्रॉफिट का करेंगे ठीक है पे ऑफ मतलब क्या होता है उसमें प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है अब जैसे कॉल ऑप्शन का हमने एक फॉर्मूला लिखा था देखो तो एस टी माइनस के कॉमा जीरो तो अगर मान लो शेयर प्राइस मैं ट्रू फॉल्स बोलना अगर मान लो शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है अगर मान लो शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ना लैप्स होगा लैप्स क्लियर है सबको रिद्धि आगीवाल क्लियर है अक्षत गुलाटी क्लियर है ठीक है अब एक अब एक बात को ध्यान से सुनना ये चीज पकड़ के चलो ऊपर जाने से डिफरेंस आ रहा है इसीलिए ऊपर के तरफ में है अरे भाई पे ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या है पे ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या है ऊपर की तरफ जाएगा ना अब सी माइनस का देखो ये सब लोग बना लिया है खाली तुम लोग डायग्राम बनाना है ये सब साइड में तो ऐसे ही है सब कचरा मत करना जगह में ठीक है अब अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से से देखो देखो सी माइनस मतलब कॉल ऑप्शन बेचा है ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा अब ध्यान से ऊपर क्या जाएगा मत बोल देना स्ट्राइक प्राइस तो फिक्स रहता है ऊपर क्या जाएगा शेयर, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा देखो कैसे बनाएंगे इसको एस टी ये मेरा है के ठीक है यहां पर हम माप रहे हैं पे ऑफ अब ध्यान से देखना ये ऐसा जाएगा यहां से स्टार्ट हो रहा है तो लैब्स में तो कोई दिक्कत नहीं है अब ये ऐसे जाएगा क्लियर एवरीवन ठीक है खोने को तो पूरा आसमान है क्योंकि तुम ऑप्शन बेचा है अगर तुम छत्तीस हजार का ऑप्शन बेच दिया और हो गया पैतालीस हजार तो तुमको कितने का नुकसान होगा नौ हजार का ना अगर मान लो तुम छत्तीस हजार का ऑप्शन बेच दिया कॉल ऑप्शन बेच दिया और ऊपर जाने से तुमको नुकसान हो रहा है और शेयर प्राइस एट मेच्योरिटी तुम्हारा हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड कॉल ऑप्शन का मतलब क्या अपसाइड बेटिंग तो तुमको नौ हजार रुपया देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा ऑप्शन बायर को तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ एक बात समझ लेना द पे ऑफ फॉर अ कॉल ऑप्शन राइटर कैन नॉट बी पॉजिटिव द पे ऑफ फॉर अ कॉल ऑप्शन बायर कैन नॉट बी नेगेटिव ठीक है इसको बना लो हां अक्षत बोलो प्रीमियम है यस करेक्ट रियल लाइफ में ऐसे ही होता है क्या चीज हां मतलब वही तो प्रोबेबिलिटी का गेम है यस इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम यस ठीक है अब नेक्स्ट पी प्लस पी प्लस पी प्लस एक बार फील फील ले लो पहले पी प्लस क्या क्या फील है नीचे जाने से डिफरेंस आएगा सेम चीज है पे ऑफ अब देखो यहां से स्टार्ट करो छत्तीस हजार का पुट बाई किया है हर एक पॉइंट नीचे जाने से तुमको एक एक रुपए का फायदा होगा ठीक है तो तो नीचे जा रहा है मतलब के के नीचे जा रहा है लेकिन तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो पुट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है के वेरी गुड एक्सीलेंट के क्योंकि तुम छत्तीस हजार का पुट तुम छत्तीस हजार का पुट खरीदा है छत्तीस हजार का पुट खरीदा है ठीक है तुम मान लो तुम एम का एक ऑप्शन खरीदा है पुट ऑप्शन तुम एम का एक पुट ऑप्शन बाई किया एम आर का दाम लगभग लगभग लाख रुपया है ठीक है तो तुम लाख रुपया का एक ऑप्शन खरीद लिया अब एम का कंपनी बंद हो गया तो तुमको कितना प्रॉफिट होगा एक लाख शेयर प्राइस अगर जीरो हो जाएगा पुट का फॉर्मूला क्या बोलता है के माइनस एस टी तो इफ द एस टी इज जीरोन यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज वॉट के ओके तो पुट में ये वाला पॉइंट याद रखना के आज तुम लोग सीएम टू पढ़ रहे ठीक है इट इज अ बेबी पेपर कंपेयर टू एसपी फाइव अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट में जाना है तो सीएम टू जितना अच्छा से पढ़ेगा उतना ही तुम लोग का जल्दी एसपी फाइव क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से पढ़ना कि तुम लोग दो पेपर के लिए पढ़ रहे ओके वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम एक क्वेश्चन पे ऑफ से आ सकता है वो लोग ऐसा पे ऑफ बना के दे देंगे और तुम लोग को बताना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजी है बहुत सिंपल है ठीक है ये वाला हुआ अब नेक्स्ट P- माइनस तो P- माइनस का मतलब क्या है ये मेरा K है और ये वाला पॉइंट पे मेरा माइनस K है अब समझ में आई गया होगा नीचे जाने से डिफरेंस जा रहा है तो जब शेयर प्राइस जीरो हो जाएगा तो उस समय तुम्हारा मैक्सिमम नुकसान क्या होगा माइनस के बेसिकली के ये पे ऑफ हुआ ये पे ऑफ हुआ ठीक है अब ये जो प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट का हम एक एग्जांपल लेंगे बार बार सारा चीज नहीं करेंगे ठीक है पहले ये बना लो अब ध्यान से सुनना प्रॉफिट में दो तरीके से करेंगे एक होगा बाय करके एक होगा सेल करके तो सेल करके प्रीमियम आ रहा है बात को समझना सेल करके प्रीमियम आ रहा है जैसे मान लो इसी का ले लो जैसे मान लो ये बन गया तो ठीक है अब पी माइनस ही मान लो सबसे डिफिकल्ट यही लगता है लोगों को पी माइनस तो पी माइनस का प्रॉफिट सोच के देखो तो तुम क्या बोला पुट ऑप्शन बेच दिया मतलब नीचे जाने से तुम्हारा डिफरेंस जाएगा और इसके लिए तुमने क्या किया प्रीमियम खाया एग्जाम्पल ले लो स्ट्राइक प्राइस है ढाई सौ प्रीमियम आया है तीस रुपए का ठीक है अब ध्यान से देखना ये है ये तुम्हारा है ढाई सौ तो ढाई सौ पे क्या हो जाएगा ढाई सौ पे क्या होगा लैप्स तुम तो पुट बेचा है ना 249 पे एक्सरसाइज होगा अब तुम्हारा ब्रेक इवन कब टर्न होगा इफ यू आर पुट सेलर तुम्हारा ब्रेक इवन कब होगा ध्यान से इधर देखो मेरे तरफ देखो अगर 250 हुआ तो लैप्स हो जाएगा तो 250 या फिर उसके ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट कितना ₹30 250 या फिर उसके ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट कितना ₹30 240 पे ₹20 230 पे ₹10 220 पे 0 ठीक है अब यहां से ऐसे नीचे बनाओ तो 220 पे क्या हो गया तुम्हारा जीरो और ये पॉइंट क्या है? कोई बता सकता है 220 समझा तो प्रॉफिट वाला ऐसा कुछ खास बात नहीं है ग्राफ वही है अरे रुको ना एक मिनट ग्राफ वही है लैप्स वाला रीजन में तुमको प्रॉफिट होगा अब तुम एक बार बाय करने का सोचो बाय करने का सोचो कॉल ऑप्शन बाय करने का सोचो तो अगर तुम्हारा स्ट्राइक है का, अगर तुम्हारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ढाई सौ का स्ट्राइक प्राइस है तो ढाई सौ के नीचे लैप्स हो जाएगा मतलब तुम जो प्रीमियम दिया वो वेस्ट ढाई सौ के नीचे तो वो चीज लैप्स हो जाएगा ना तो तुम जो प्रीमियम दिया वो वेस्ट तो तुम नीचे से स्टार्ट करेगा देखो यही सेम चीज को बना लो एक बार बनाना है तो अब इधर देखो अब C प्लस सोचो सेम एग्जाम्पल अब तुम लोग C प्लस सोचो तो C प्लस के लिए इधर देखो इधर देखो अब नीचे से स्टार्ट होगा नीचे से स्टार्ट होगा ये तुम्हारा अगर 250 है तो यहां से ऊपर उठना चालू होगा क्योंकि तुम C प्लस तो 250 पे तुम्हारा तीस रुपए का नुकसान होगा ना 280 पे ब्रेक बेन क्लियर एवरी वन कॉपी कर लो उसको हाँ, भाई में। आज किससे इसका मैच है आरसीबी और आरसीबी वर्सेस एसआरएच है ना अब जैसे मान लो आज का मैच में हमको सट्टा खेलना है ठीक है पिच वगैरह हम स्टडी कर लिया हमको लगा एवरेज पे ऑफ बना लिया तो अब आरसीबी वर्सेस एसआरएच का बात करते हैं तो हम एवरेज स्टडी करके सोचा हम बोला यार 160 का रन बनना चाहिए ठीक है तो हम और मनन एंटर कर गया ठीक है अब हम मनन को क्या बोल रहे है आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करेगा टीम लाइनअप बहुत तेज है ठीक है हमको लगा आज मारेगा हम क्या बोला 160 कि के हर रन ऊपर मारने पे, 160 के हर रन ऊपर मारने पे तुम हमको दस हजार रुपये देगा 160 के हर रन ऊपर मारने पे तुम हमको दस हजार रुपए देगा और 160 के जितना नीचे मारेगा ना हर एक रन नीचे का हम तुमको दस हजार रुपए देंगे ठीक है हम लोग दोनों इंटर कर सकते खराब चीज नहीं है ठीक है मारा एक सौ पिछहत्तर तो बताओ कौन किसको कितना रुपए देगा मनन मेरे को देगा पंद्रह इंटू दस हजार मतलब कितना देगा डेढ़ लाख रुपया तो ये फ्यूचर्स का एग्जाम्पल है समझ गया तो तो इसमें क्या दोनों तरफ से एक ऑब्लिगेशन आ रहा है ठीक है वैसे ही तो होता है आज मान लो हम हम एक एफ एफ प्लस प्लस किया किया कोई भी चीज में एफ प्लस किया थर्टी रुपीज में अब उसका दाम हो गया बत्तीस तो मेरे को दो रुपए का फायदा ठीक है तो? तो इस तरीके अब जैसे मान लो सट्टाबाजी में लॉर्ट साइज साइज है ये लॉट साइज है।, है हर एक रन ऊपर पे हमको दस हजार मिलेगा और हर एक रन नीचे पे हमको कितना देना पड़ेगा दस हजार तो कोई भी चीज में तुम डेरिवेटिव बना सकते हैं, ठीक है ठीके? अब हेडिंग लगाना मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन तो मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन का मतलब क्या होता है ध्यान देना तीन चीज होता है इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी ठीक है तो अब जैसे मान लो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है छत्तीस हजार ठीक है और तुम्हारा जो बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है कॉल का बात कर रहे हैं ठीक है कॉल का बात कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस तुम्हारा चल रहा है छत्तीस हजार और तुम्हारा बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है छत्तीस हजार पांच सौ सुनो वंशी का अगर मान लो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है छत्तीस हजार और बैंक निफ्टी स्पॉट चल रहा है तुम्हारा छत्तीस हजार पांच सौ, तो अगर आज एक्सरसाइज किया कॉल को अगर मान लो आज ही एक्सरसाइज किया कॉल को तो कितना रुपया आएगा पांच सौ, बहुत सिंपल है स्पॉट माइनस स्ट्राइक अगर मान लो ऐसा एक ऑप्शन हो जैसे दो टाइप का ऑप्शन होता एक है यूरोपियन ये हम बता चुके शायद और होता है अमेरिकन तो अमेरिकन को तुम कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है एक्सपायरी तक और यूरोपियन को तुम सिर्फ एक्सपायरी पे ही कर सकता है तो अगर मान लो हम आज इसको एक्सरसाइज करें तो मेरे को कितना रुपया आएगा पांच एक एग्जाम्पल ले लो अगर मान लो स्पॉट चल रहा है छत्तीस हजार और स्ट्राइक भी चल रहा है छत्तीस हजार तो इस केस में अगर आज एक्सरसाइज किए तो जीरो कुछ नहीं मिलेगा बेसिकली और अगर मान लो पैंतीस पांच सौ है तो क्या होगा लैप्स बेसिकली कुछ नहीं मिलेगा इसको बोलते हैं इन द मनी इसको बोलते हैं एड द मनी और इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी अब ध्यान से सुनते जाओ अब रियल मार्केट में क्या होता है रियल मार्केट में क्या होता है जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ये जो हम बोल रहे हैं एक सौ अस्सी तीस बीस सौ एक सौ बीस जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ये दो कॉम्पोनेंट से बनता है एक बनता है तुम्हारा इंट्रेंसिक वैल्यू तो ये जो एग्जाम्पल लिए इंट्रेंसिक वैल्यू का था तो जब भी ऑप्शन तुम्हारा इन द मनी होगा आज ही अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा वैल्यू तो एक बात बताना इंट्रेंसिक वैल्यू केस टू एंड थ्री जीरो क्योंकि अगर तुम आज ही एक्सरसाइज कर रहा है तो तुमको तो जीरो मिल रहा है एंड देर इज वन मोर कॉम्पोनेंट नोन एज द टाइम वैल्यू टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है आज जैसे मान लो आज का डेट क्या है आठ तारीख है इस महीना का एक्सपायरी होगा छब्बीस तारीख को ठीक है हम छब्बीस तारीख का कोई ऑप्शन खरीद रखे हैं ठीक है तो जैसे देखो होता क्या है इन वैल्यू समझ गया तो अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा ठीक है अब जैसे क्या होगा ये जो इन द मनी वाला जो ऑप्शन मैंने तुमको बोला ना अब तुम्हारे थियोरिटिकल वाइज इसमें आईवी कितना आ रहा है पांच लेकिन इसका जो प्रीमियम होगा वो करीब करीब आठ सौ रुपया होगा वो पांच सौ थोड़ी होगा वो आठ सौ में जो बैलेंस जो तीन सौ है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू और ये टाइम वैल्यू का मतलब क्या है ध्यान से सुनो टाइम वैल्यू का मतलब क्या है अभी एक्सपायरी में जैसे आठ तारीख है मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो छब्बीस तारीख छब्बीस मे को इसका एक्सपायरी होगा अब मेरे को यह लगता है कि आने वाला जो टाइम पीरियड है बारह ट्रेडिंग सेशन है जितना भी ट्रेडिंग सेशन है मेरे को यह लगता है कि मेरे फेवर में मूव करेगा उस चीज का वैल्यू है ये उस चीज का वैल्यू है तो जब का का चिप्स का पैकेट खरीदता है तो और हवा भी रहता है देखता कितना हुआ रहता है, रहता है वो। तो वो का हो गया। जो कॉम्पोनेंट है दैट इज गॉट द आईवी एंड जो हवा है what, तो बेसिकली अगर तुम देखेगा तो एट द मनी जैसे छत्तीस छत्तीस एट द मनी का भी तुम्हारा प्रीमियम लगभग चार सौ रुपया होगा और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम थोड़ा कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी का प्रोबेबिलिटी कम है कि उससे तुमको कोई पे ऑफ मिले बात को समझो जैसे ये टाइम वैल्यू क्या है मेरे को ये लग रहा है मेरे को ये लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम में मार्केट बहुत जोर से बढ़ने वाला है तो अगर बहुत जोर से बढ़ेगा तो फायदा मेरे को होगा क्योंकि हम क्या बाय करके रखे हैं कॉल खोने के लिए मेरे पास क्या है तीन सौ अरे खोने के लिए तो मेरे पास तीन सौ ही है आज अगर मान लो ये जो है इसका प्रीमियम मान लेते हैं साढ़े तीन सौ रुपया तो खोने के लिए मेरे पास क्या है साढ़े तीन सौ पाने के लिए तो पूरा आसमान है अगर चालीस हजार हो गया तो बयालीस हजार हो गया तो पैतालीस हजार हो गया तो ठीक है तो ये टाइम वैल्यू होता है तो टाइम वैल्यू तुम बोलेगा सर आ सकता है तो जा भी तो सकता है लेकिन जाने में तो लिमिटेशन है ना जाने में तो लिमिटेशन है इसलिए ऑप्शन में टाइम वैल्यू होता है फ्यूचर में टाइम वैल्यू नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर में इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन क्या चीज का है अगर उप, अगर एफ प्लस किया अगर एफ प्लस किया और अगर बढ़ गया तो मेरा फायदा अगर एफ प्लस किया गिर गया तो मेरा नुकसान तुम तीस में एफ प्लस किया पच्चीस हो गए तो पांच रुपए जाएगा पैंतीस हो गए तो पांच रुपए आएगा यही तो हिसाब है अब एक चीज समझना अब ऑप्शन में टाइम वैल्यू का मतलब क्या है बेसिकली एक टाइप का होप है कि मेरे फेवर में मूव करेगा ठीक है अगर नहीं मूव किया तो कोई दिक्कत नहीं है 25 पच्चीस तीन सौ इंटू पच्चीस कितना हो गया साढ़े सात हजार जाने को साढ़े सात हजार है आज अगर मान लो छत्तीस हजार चल रहा है पांच सौ पॉइंट भी ऊपर हो गया तो कितना आएगा साढ़े बारह साढ़े सात लगा के साढ़े बारह कितना परसेंट रिटर्न कर लो तुम क्या करेगा साढ़े बारह हजार डिड साढ़े रिटर्न में, दिन में? तो ये, ये है इसमें का मतलब क्या है अभी तुम क्लास ज्वाइन किया है तो तुम लोग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पास होने का हालांकि जुलाई में भी लोग ज्वाइन करेंगे अभी ग्रुप में 101 है ये करीब करीब डेढ़ सौ दो सौ चला जाएगा दो तो महीना में तो उनका प्रोबेबिलिटी कम है तो टाइम जितना ज्यादा होगा टाइम वैल्यू उतना ज्यादा होगा क्योंकि उस समय क्या है ज्यादा लार्ज मूवमेंट का होप रहेगा तो अगर मान लो एक ऐसा ऑप्शन है जिसका एक्सपायरी है एक महीना में और एक ऐसा ऑप्शन है जिसका एक्सपायरी है एक हफ्ता में तो हफ्ते वाले का टाइम वैल्यू कम होगा महीने वाले का टाइम वैल्यू ज्यादा होगा अब मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है वो छत्तीस हजार पे ही रह रहे तो तुम देखेगा धीरे धीरे करके ये जो टाइम वैल्यू है ये गिर रहा है ठीक है क्यों गिर रहा है क्योंकि कल मेरे पास में पच्चीस दिन था आज मेरे पास में कितना दिन है चौबीस दिन ठीक है तो फिर धीरे धीरे करके एक हफ्ता बाद उसका और टाइम वैल्यू कम हो जाएगा एक दिन एकदम टाइम वैल्यू कम हो जाएगा एक घंटा एकदम ऑलमोस्ट नेग्लीजेबल टाइम वैल्यू हो जाएगा समझा

ऑप्शन सेलर्स आर द विनर्स 99% ऑफ द टाइम दिस इज द रीजन दे टेक द एडवांटेज ऑफ द टाइम डीके मार्केट एकदम धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके चलेगा कभी सौ पॉइंट अपनी पचास के आसपास में ही रहेगा एंड दे सेल मार्केट इज ऑलमोस्ट टैगनेट एंड द टाइम वैल्यूट ऑफ द ऑप्शन लेकिन एफ में दिक्कत है फ्यूचर्स में कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है नीचे गया तो तुमको देना पड़ेगा और अगर ऊपर गया तो तुमको मिलेगा और अगर तुम एफ माइनस किया है तुमको नीचे जाने से मिलेगा ऊपर जाने से तुमको देना पड़ेगा ठीक है अब एक चीज देखो अब एक प्रैक्टिकल चीज देखना अब अगर मान लो तुम्हारा जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है मैंने क्या बोला दिस इज मेड ऑफ आईवी प्लस टीवी ओके नाउ पुट के लिए सोचना पुट के लिए सोचो स्ट्राइक है तुम्हारा ढाई सौ ठीक है अगर मान लो स्पॉट चल रहा है तीन टो स्पॉट दे रहा हूं दो सौ साठ ढाई सौ दो सौ चालीस बताओ दो सौ साठ पे क्या है सोच के बोलो पुट के लिए दो सौ साठ पे अगर आज एक्सरसाइज हो गया तो क्या कुछ नहीं जीरो नीचे का बेट है ना तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी ये हो गया इन द सॉरी ये हो गया एट द मनी ठीक है और ये हो गया इन द मनी तो सबसे ज्यादा प्रीमियम किसका होगा इन द मनी का क्योंकि अगर उसको एक्सरसाइज किए तो कितना मिलेगा दस ठीक है एट द मनी जीरो आउट ऑफ द मनी जीरो एट द मनी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इन द मनी में जाएगा कि आउट ऑफ द मनी एट द मनी ठीक है अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमसे एक क्वेश्चन पूछ है बोलो ऑप्शन अमेरिकन है ठीक है मान लो अमेरिकन है ठीक है कभी भी तुम उसको एक्सरसाइज कर सकता है तो तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कि उसको तुम बेचेगा बात को समझना अगर मान लो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है राइट टू सेल है तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो राइट टू बाय है तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो तो बोलने का मतलब क्या है तुम ऑप्शन को अगर मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम फेवरेबल पोजिशन में है एक्सपायरी के पहले तो तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कि उसको तुम बेचेगा गलत एक्सरसाइज करने से तुमको क्या मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू और अगर तुम बेचेगा तो तुमको क्या मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू आज जैसे मान लो ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया ऑप्शन को अगर तुम सेल करता है तो तुमको प्रीमियम मिलेगा ना आज तुमको ये ऑप्शन बाई किया मान लो तुम 400 में बाय किया उसका दाम अभी 800 हो गया इसको तुम अगर एक्सरसाइज करेगा तो तुमको 500 मिलेगा तो तुम गधा थोड़ी है तो तुम एक्सरसाइज करेगा कोई एक्सरसाइज नहीं करता है क्यों बिकॉज टाइम वैल्यू एसोसिएटेड है तो इट इज नेवर ऑप्टिमल इट इज नेवर ऑप्टिमल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू सेल द ऑप्शन बिकॉज दर इज टाइम वैल्यू ऑल्सो अगर एक्सरसाइज किया तो क्या मिलेगा सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू चिप्स अगर तुम सेल किया तो तुमको क्या मिलेगा इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है मार्केट में, a दो ऑप्शन दिया जाए एक ऑप्शन पांच रुपए का पैकेट में खाली हवा है ठीक है तो और दस रुपए का पैकेट में चिप्स है प्लस हवा है ठीक है तो सब लोग पता है क्या बोलेंगे मैंने सोच के देखो अभी तुम लोग को लगेगा ऑब्बियस बात है सर दस वाला क्योंकि उसमें चिप्स भी और उसमें हवा भी है बट ऑप्शन बाइंग में ऐसा दिखता नहीं है सब लोग क्या करते हैं आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं क्योंकि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कम है बट उसमें तो कुछ है ही नहीं ना अब बात को समझो आउट ऑफ द मनी तो कुछ है ही नहीं उसका तो इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं मार्केट चल रहा है छत्तीस हजार ठीक है तो मार्केट चल रहा है छत्तीस हजार सैतीस हजार पांच सौ का कॉल ले लेंगे तो सैतीस हजार पांच सौ का कॉल का कितना प्रीमियम होगा पचास रुपया पचास इंटू पच्चीस साढ़े बारह सो ठीक है तो अब वो ये सोच रहा है कि मेरा जाने को क्या है साढ़े बारह सो अगर थर्टी नाइन थाउजेंड हो गया तो जो कि एकदम बहुत ही वाहियात सा बात है इतना तेजी से मार्केट बढ़ता नहीं है बढ़ गया तो बहुत अच्छा बात है वंस इन अ ब्लू मून वो कमाएगा बट ही विल लूज आउट ऑन फिफ्टी वन वीक्स विल जस्ट ऑन ऑन दैट वन डे व्हेन देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई बाय द सेंट्रल बैंक और मे बी देयर इज सम गुड परफॉर्मेंस जैसे एस का रिजल्ट आ गया बहुत पॉजिटिव हो गया तो ऑलवेज अगर तुम देखेगा जिसके पास जैसे अब तो बोली दिया, में तभी खेलना चाहिए इंसान को जब उसका मिनिमम कैपिटल ट्वेंटी फाइव लैक्स तो तुम समझ रहे आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन तुम बाय कर लिया और तुम वेट कर रहे उससे कुछ नहीं होने का है। कुछ भी नहीं होगा उससे ठीक है तो ये चीज है <coughs> अब एक एग्जाम्पल लिखो Suppose that the price is 112. Spot price. Suppose that the spot price is 112. Suppose that the spot price is 112. Exercise price is 110. Put option is अब इसमें बताओ क्या क्या है ऑप्शन प्रीमियम दे दिया है इंट्रेंसिक वैल्यू क्या और टाइम वैल्यू क्या फटाफट -फड़ से बताओ 12 टू 14 में कोई नोट्स लिखने का दरकार नहीं क्योंकि पूरा ये 12 टू 14 यही सब है तो ये अभी आने वाला पांच महीना तुम लोग को यही सब पढ़ना है पूरा तुम लोग का दिल में बस जाएगा ये सब ये एकदम फंडामेंटल्स है कुछ ऐसा चीज हुआ जो तो हम अभी पढ़ा के छह महीना छोड़ देंगे तो उसका अलग बात हो गया बट फंडामेंटल चीज है इसमें हम लोग डेली सेशन करेंगे अब इसमें बोलो स्ट्राइक प्राइस है 110 तो 110 के ऊपर में है शेयर प्राइस बट बात किसका हो रहा है फुट का तो ये क्या हो गया आउट ऑफ द मनी हो गया अब आउट ऑफ द मनी हो गया इसका मतलब क्या है आउट ऑफ द मनी हो गया मतलब क्या इंट्रेंसिक वैल्यू अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना मिलेगा जीरो तो आईवी इसमें क्या हो जाएगा इसमें आईवी क्या हो जाएगा जीरो और इसमें टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा अब लोग यही टाइप का, का काम करते हैं लोग ये बाई कर लेंगे मनी प्लस इट विल गिव यू समिट आर यू अंडरस्टैंडिंग इसमें मेरा प्रॉफिट कब से चालू होगा 105 के नीचे सोच के देखो 105 के नीचे ठीक है एक एग्जाम्पल लिखो एग्जाम्पल लिखना सिक्स मंथ एंड कॉल एक्सरसाइज प्राइस दे दिया मेरे को वन फोर्टी इंट्रेंसिक वैल्यू दे दिया है पुट का इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ पुट इज वॉट सेवन पुट का प्रीमियम मेरे को दे दिया फोर्टी सेवन अब क्वेश्चन लिखना है इसमें क्वेश्चन क्या है लिखो व्हाट शुड बी कॉल प्रीमियम लिखना व्हाट शुड बी कॉल प्रीमियम what should be call premium if time value of call what should be call premium if time value of call is 80% of that of put what should be the call premium if time value of call is 80% of that of put ऑल्सो कैलकुलेट शेयर प्राइस ऑल्सो कैलकुलेट शेयर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं छह महीना का पुट एंड कॉल है स्ट्राइक प्राइस दे दिया वैल्यू ऑफ पुट इज एंड द प्रीमियम इज फोर्टी सेवन वॉट शुड बी दी कॉल प्रीमियम इफ टाइम वैल्यू ऑफ कॉल इज एटी परसेंट ऑफ दैट ऑफ पुट एंड ऑल्सो कैलकुलेट शेयर प्राइस अगर ये सम बना दिया मतलब तुम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ठीक है इसको करो ओके okay. बहुत सिंपल है ये तो हम लोग को बोला है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ पुट इज सेवन तो पुट का टाइम वैल्यू कितना हो गया फोर्टी और बोला है कॉल का जो इफ द वैल्यू ऑफ कॉल इज एटी परसेंट ऑफ दैट ऑफ पुट अब एक बार समझना अगर पुट इन द मनी है तो कॉल क्या होगा बहुत सिंपल वेरी गुड तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर पुट इन द मनी है तो कॉल क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी तो कॉल अगर आउट ऑफ द मनी है तो कॉल में खाली क्या होगा टाइम वैल्यू वेरी गुड तो कॉल में खाली टाइम वैल्यू होगा तो बेसिकली इसका टाइम वैल्यू कितना है फोर्टी और इसका एट्टी परसेंट क्या होगा कितना होगा देखो क्या लिखा है वैल्यू ऑफ कॉल इज एट्टी परसेंट ऑफ दुट ठीक है इफ टाइम वैल्यू लिखवाया था ना हाँ इफ टाइम वैल्यू ऑफ कॉल इज एटी परसेंट ऑफ दैल्यू ऑफ दुट सो बेसिकली एट्टी परसेंट ऑफ वॉट इज वॉट तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या हो जाएगा थर्टी टू प्लस जीरो विच इज थर्टी टू अब हम लोग और एक चीज क्या बोला है चेयर प्राइस बहुत सिंपल है अगर मान लो एक्सरसाइज प्राइस 140 है और इंट्रेंसिक वैल्यू सात है तो शेयर प्राइस कितना हो जाएगा 133 थर्टी थ्री क्लियर एवरी वन यस और नो यस और नो अरे बोलो ना हाँ रिद्धि बोलो हाँ तो so, 140 वन इज द एक्सरसाइज प्राइस तो व्हाट इज द शेप नो इंट्रेंसिक वैल्यू मीन्स व्हाट अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना मिलेगा अगर आज एक्सरसाइज करेंगे अगर सात मिलेगा तो इसका मतलब क्या आज शेयर प्राइस क्या चल रहा है आज शेयर प्राइस क्या चल रहा है अरे तुम रुको देखो एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है और अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो सात रुपया मिलेगा मतलब शेयर प्राइस वन थर्टी थ्री है ना इट इज के माइनस एस टी तो वन फोर्टी माइनस वन थर्टी थ्री सेवन एक और एग्जांपल लिखो लगता है क्लियर नहीं हुआ एक और एग्जांपल लिखो इसी बात पे हम लोग को एस टी दे दिया है फोर फिफ्टी ठीक है अब के हम लोग को दे दिया है 430, 470 दो तो स्ट्राइक प्राइस दिया ठीक है थीके? अब इसमें पुट है और कॉल है तो पुट चल रहा है सत्ताईस और यहां चल रहा है साठ यहां चल रहा है फिफ्टी एट और यहां चल रहा है ट्वेंटी फाइव अब लिखो क्वेश्चन लिखो अ ट्रेडर सोल्ड a trader sold 430 strike price put option a trader sold 430 strike price put option a trader sold 430 strike price put option and and 470 strike price call option a trader sold 430 strike price put option and 470 strike price call option a trader sold 430 strike price put option and 470 strike price call option. Full stop. Explain traders payoff and profit. Explain traders payoff and profit. Explain traders payoff and profit. Payoff and profit. If share price happens to be explain traders payoff and profit if share price happens to be 445 445 comma 360 and 520 445 360 and 520 solve kariye